चारों तरफ क्लेश ही क्लेश, दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट। और आज के परिणाम समाज में क्या देखते हो आप? देखते हो चिंता तनाव, ये सब तेजी से बढ़ते जा रहा है। क्या है उपाय? आजकल लोग स्लीपिंग पिल लेते हैं, एंटी डिप्रेशन पिल लेते हैं, स्लीपिंग पिल लेते हैं, नींद की गोली, एंटी डिप्रेशन। तनाव है तो ये लो गोली, तुम्हारा दिमाग ठंडा कर देंगे, पर इनके द्वारा असली इलाज नहीं है। अगर आप एंटी डिप्रेशन लेना चाहते हो तो गीता को पढ़ो, गीता को पढ़ो, रोज पढ़ो, नियमित रूप से पढ़ोगे तो अज्ञानता दूर होगी। भौतिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान की भी आवश्यकता है। हम ये नहीं कहते आप स्कूलों में मत जाओ, हम ये नहीं कहते कि पाठशाला में मत जाओ, जाओ पीएचडी लो, डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी, तो साथ में आध्यात्मिक ज्ञान भी अनुकूल करो। आध्यात्मिकता के बिना ये जीवन अधूरा माना जाता है। हमारे गुरु जी उदाहरण दे रहे थे, 0000+0 = 0, और कुछ कदर नहीं, पर एक जोड़ दो के साथ 10 या 100 या 1000 या 1,00,000 बन जाएगा। तो गीता का संदेश जो है पूरे मानव समाज के लिए है। एक समय प्रभुपाद जी ने कहा मुझे, गीता का संदेश पूरे मानव समाज के लिए है। क्या क्रिश्चियन लोग नहीं मरते, वो बूढ़े नहीं होते, उनको कष्ट नहीं सहना पड़ता? तो जो संदेश है वो कठिनाइयाँ हम सबको अनुभव करनी पड़ती है। कई बार हम सोचते हैं गीता का संदेश प्रैक्टिकल नहीं है। हमारी एक और योजना है इस कारण की, कॉर्पोरेट प्रीचिंग। हमारे भक्त कॉर्पोरेट्स में जाते हैं और लोगों को सिखाते हैं किस प्रकार का जीवन हमें बिताना चाहिए। आज समाज की सबसे बड़ी समस्या है चेतना का पोल्यूशन। आप जैसे जानते हो पोल्यूशन की चिंता है सबको, है या नहीं? क्यों है? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि पोल्यूशन मृत्यु का कारण बन रहा है, पोल्यूशन बीमारियों का कारण बन रहा है। अगर आप पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका जीवन आस्ते आस्ते आधा हो जाएगा। ये जहर है। विदेशों में जो केमिकल फैक्ट्रीज होती थी जहाँ सबसे ज़्यादा पोल्यूशन निकलता है, सरकार ने बंद कर दी, और अभी इंडिया में ये केमिकल फैक्ट्रीज आ गई है सब चाइना के साथ। और ये जो पोल्यूशन है जहर है, और हम क्या सोचते हैं, नहीं पैसा कमा रहे हैं ठीक है। तो ये है हमारा दुर्भाग्य। भगवद गीता के 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, तद विधि प्राणिपते न प्राणिपशेन से होया। अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो किसी प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। अगर आप किसी प्रमाणिक गुरु की शरण लोगे तो वो आपको मार्गदर्शन देगा, असली शिक्षा देगा, जिसके उपयोग से आप असली सुख प्राप्त कर सकोगे। फलान महाराज कहते हैं, नहते विदुम स्वर्तगते में विष्णु। लोग ये नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 3 चीजों को मत त्यागो। आत्मज्ञानी हो तो भी मत त्यागो। क्या है ये 3 चीजें? यज्ञ, धाना, तपस्या। यज्ञ से यज्ञ का अर्थ है भगवत प्राप्ति का साधन। हर युग में अलग साधन होता है। जैसे कि सतयुग में साधन था भगवान का चिंतन,
श्वेत युग में साधन था बड़े बड़े यज्ञ, द्वापर युग में भगवान की उपासना, और कलयुग में हरि नाम का उच्चारण। भगवान ने अपनी पूरी शक्ति डाली है इन दिव्य दावों में, कली काले नामा रूप कृष्ण अवतार। तो यज्ञ को कभी मत त्यागो, यज्ञ करना आवश्यक है। अब ये नहीं कह सकते मैं तो बड़ा संत महात्मा हूँ तो मैं कुछ भी करूँगा उसका परिणाम नहीं होगा। हमें भी शास्त्रों की शिक्षा के आधार पर चलना है। फिर दाना, अनेक प्रकार के दान होते हैं। साधु के लक्षणों के विषय में कहा गया है, साधु जो है अत्यंत दयालु होता है। पर साधु ये जानता है कि असली दान क्या है और नकली क्या है। साधु लोगों को असली ज्ञान देना चाहता है। जैसे प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, कईयों ने भारत में कहा स्वामी जी आप इस बूढ़ी आयु में जाओगे, मर जाओगे, जिंदा नहीं लौटोगे, मत जाओ 70 साल की उम्र में। तो प्रभुपाद जी कहा नहीं, मैंने जरूर जाना है। जो साधु है वो अपने उपदेश से वो उपदेश देना चाहता है जिसके द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान हम दे सकें। तो यज्ञ दाना तपस्या, तपस्या का अर्थ है उन नियमों का पालन करना जिनके द्वारा आप भगवान के शरणागत हो सको।